पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान पुष्कर के मेला मैदान में पुष्कर के SDM देविका तोमर ने झंडा फहराया। सबसे बड़ी खास बात तो यह रही कि इस बार फिलहाल कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि इस बार पूरा कार्यक्रम SDM देविका तोमर ने अपने हाथों में ले रखा था, जिसकी वजह से कोई विवाद नज़र नहीं आया। इस दौरान पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत, पुष्कर नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी इंसाफ अली एवं पुष्कर के तहसीलदार पंकज बड़गुजर, पुष्कर थानाधिकारी हेमेंद्र शर्मा, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता सहित कई लोग मौजूद थे। मेला मैदान में कई स्कूलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें पुष्कर की दिव्यांग बच्चों की ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान स्कूल की ओर से कार्यक्रम पेश किए गए। ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान की स्कूल से पेश किए गए कार्यक्रम को लेकर पुष्कर की SDM देविका तोमर ने अपने हाथों से छात्र छात्राओं को टॉफियां वितरित की। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज। ऐसा निवेदन होगा, प्लीज साउंड शुरू करें और कार्यक्रम को जल्दी शुरू करें, क्योंकि आज रक्षाबंधन का भी पावन पर्व है और हम सभी इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। इस दौरान SDM कार्यालय की ओर से उत्कृष्ट पत्रकारिता को लेकर पुष्कर के पत्रकारों का सम्मान भी किया गया, जिसमें पुष्कर के वरिष्ठ पत्रकार नाथू शर्मा, महावीर भट्ट, भीकम शर्मा, दिनेश पाराशर, अनिल शर्मा, सीताराम पाराशर सहित कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में फियोर्दी लोटो के सदस्य शिव स्वरूप महर्षि को भी SDM कार्यालय की ओर से शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पुष्कर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित कैलाशनाथ दादिज को भी शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दिव्यांगों की सेवा के लिए प्रसिद्ध वेद प्रभा सेन को मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं। तोरफा खरखेड़ी NGO श्री हेमंत कुमार, स्नैक कैचर हमारे बीच है, श्री हेमंत कुमार जी।
काम किया और अपने साथियों को ट्रेनिंग भी दी ताकि बहुत से जीवन बच सके। दिव्यांग बच्चों की सेवा में अग्रणी ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर ने झंडा फहराया। इस दौरान बामदेव रोड पर स्थित भारत सेवाश्रम के छोटे गुरुजी भी मौजूद थे। इस दौरान गुरुजी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को मानवता का संदेश दिया। इसके पूर्व संस्थान के अध्यक्ष जुगल किशोर सेन ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सद्दाम हुसैन ने दिव्यांग स्कूल की छात्र छात्राओं को मिठाई वितरित की। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर का स्वागत करते हुए संस्थान के अध्यक्ष जुगल किशोर सेन, इस दौरान सेवाश्रम के छोटे गुरुजी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज ने अजमेर स्थित लाडली घर में झंडारोहण करके सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान विश्व मित्र सेवा समिति की ओर से पूरा परिवार लाडली घर में मौजूद था। दिनेश पारासर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने अपने निवास स्थान पर झंडा फहराया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी इंसाफ अली, कड़ेल के पूर्व सरपंच घनश्याम सिंह राठौर सहित कई लोग मौजूद थे। सभी पुष्कर वासियों को आज 73वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी तरफ से शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाइयां। मैं सभी पुष्कर वासियों को से आग्रह करूंगी कि हम पुष्कर की मर्यादा को बनाए रखें और खुशहाल और